नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा जी के आवास में, और आइए हम उनसे जानते हैं सरकार को लेकर उनकी नीति क्या है, रणनीति क्या है, आगे वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं। सर, जीएन भारत में आपका स्वागत है। सर, सरकार की ज़मीन खिसक रही है और आप अपना ज़मीन विस्तार कर रहे हैं आदिवासियों के बीच में जाके, उनके संस्कृति परंपरा उनकी रक्षा करने के लिए आप लगातार दौरा कर रहे हैं आदिवासियों के बीच में हैं कर्मा पर्व को लेकर। क्या सरकार की स्थिति को लेकर आप तनाव में नहीं है, टेंशन में नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार की स्थिति नहीं खिसक रही है, वो ठीक है, बहुमत है इनके साथ में और किसी तरह का दुर्भावना नहीं हो सकता है। बस एक प्रॉब्लम है कि राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल अभी तक ओपन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद रणनीति बनेगी। मगर गवर्नमेंट को किसी तरह का खतरा नहीं है, बहुमत उनके साथ है, जितने चाहिए है, रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इनके साथ है और हम लोग भी साथ में हैं, तो इसलिए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट को। सर, लोगों में ऐसा था, मैसेज जा रहा था कि आप सरकार से नाराज़ हैं, एक मंत्री पद आपको प्राप्त नहीं हुआ इसके चलते आप नाराज़ थे, और इसी के चलते अभी जो पिकनिक हुआ सारे विधायक गए, आप न उसमें गए न विधायकों के बैठक में आप जाते हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का एक उरांव कम्युनिटी का जो प्रमुख फेस्टिवल है, अभी कर्मा फेस्टिवल आया है, तो हम उसमें पिछला एक सप्ताह से बहुत व्यस्त हैं, सवेरे से शाम तक बहुत व्यस्त हैं, मीटिंग भी चल रही है, चार गुमला लोहरदगा सारे जगहों में मीटिंग चल रही है, तो मेरे पास समय नहीं था और मेरी कम्युनिकेशन फ़ोन से हमेशा लगातार सीएम से होती रही है, और इसलिए ये कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। जब भी हमारा उपस्थिति अनिवार्य होगा हम चले जाएंगे, मगर कन्फ्यूजन तो अभी भी बना हुआ है कि राज्यपाल जी अभी तक महामहिम अभी तक ओपन नहीं किए हैं, तो मेरा ये स्थिति रहा है कि हम अपने कामों पे व्यस्त रहे हैं, हम कम्युनिकेशन में थे, बनाए हुए थे। हाँ, कुछ प्रेस वाले लोगों को कन्फ्यूजन था कि वो आते नहीं हैं, आ नहीं रहे हैं, मगर हमारी कम्युनिकेशन बनी हुई थी और हम आश्वस्त करते रहे थे कि हम ये काम कर रहे हैं और हम व्यस्त हैं, कंटिन्यूस व्यस्त हैं, तो पिछले एक सप्ताह से हम, और अभी भी आने वाला जब तक 6 तारीख नहीं होगा तब तक हम इस पर व्यस्त रहेंगे, तो जब तक टाइम होगा हम सीएम जी से बात करके और वहाँ उपस्थित प्रेजेंस अगर देने का होगा, जैसे कुछ प्रेस वालों ने कहा कि नहीं फिजिकली प्रेजेंस मस्ट है, तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे, और हमने बात की है कि ठीक है, अगर वैसा उनको कन्फ्यूजन होता है और उनको नीड है कि फिजिकली मेरा प्रेजेंस आवश्यक है, तो जब कॉल होगा तो हम जा करके प्रेजेंट कर देंगे। सर, कल मैं भी यहाँ बैठा हुआ था और सीएम साहब का फ़ोन आया, आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपको फ़ोन किया, काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जैसा मुझको लगा मान मनोबल हो रहा था कि आप आए इस तरह करके। सर, पूरी विस्तार से बताएं कि मुख्यमंत्री से कल आपकी क्या बात हुई? नहीं, कल हमको एक्चुअली जाना था, मुलाकात करना था, तो हम लोग जब निकल गए फील्ड में तो शाम के करीब 7 बज गए, तो उसके बाद चूँकि हम लोग को 4 बजे जाना था, लेट हो गया, तो वही फ़ोन में हम लोग बात कर रहे थे कि हम थोड़ा सा व्यस्तता के कारण जब फुर्सत में हो जाएंगे तो हम आपका प्रेजेंट हो जाएंगे और उपस्थिति हम दे देंगे, यही बातें हो रही थी, और परिस्थिति उपस्थिति के विषय में चर्चा हो रही थी कि क्या संभावना है, कब राज्यपाल जी महामहिम कब उसको ओपन करेंगे और हमारे साथ सब इंटैक्ट हैं, तो सरकार का किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं है। हम भी कह रहे थे कि हम आपके साथ में हमेशा ही रहेंगे और हैं यार, पहले से भी थे आप, मेरे पर किसी तरह का कोई संकोच नहीं होना है, हम आपके साथ हैं, हम बस खाली बिजी इसलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जो काम हो रहा है, क्योंकि ये सारा उरांव बेल्ट में ही होता है, जो कर्म फेस्टिवल है, जो यार बिग फेस्टिवल है ये चीज़, तो इसलिए हम कोई चांस लेना नहीं चाहते हैं, जितने जगह हैं और हमारे बगैर वो ठीक से ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाता है, मेरी उपस्थिति वहाँ मस्ट है, जाना होता है, और गांव-गांव जाना होता है, प्रत्येक पढ़ा जाना होता है और प्रत्येक प्रखंड भी जाना होता है और 2-3 जिला के, तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं हो पा रहा था। गुमला जिला, लोहरदगा जिला, रांची के सभी जिला और मांडर विधानसभा, लोहरदगा विधानसभा, छिसई विधानसभा, रांची और रांची के भी विधानसभा, फिर गुमला विधानसभा, सारे विधानसभाओं को हम लोग टेकअप करते हैं, इसलिए नहीं कि पॉलिटिकली, बट फेस्टिवल को हम लोग प्रायोरिटी करते हैं कि ये बेहतर हो, क्योंकि ट्राइबल फेस्टिवल से भी उसका सर्वाइवल हो पाएगा, उसका कई तरह के लोगों का कहना होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, सोशोलॉजिस्ट का, कि ट्राइबल का वजूद जो है वो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, तो हम लोग इस पर केयर करते हैं कि हम लोग ऐसा दिखा पाएँ, बता पाएँ
और इतना हम भागीदारी कर पाएँ कि आने वाला कल में जो हम लोग सरना कोड वगैरह डिमांड करते हैं और उसका स्वतः ये एक प्रूफ हो जाए कि नहीं, ये फेस्टिवल ही उसको डिमांड करने के लिए इनफ है। तो इसलिए हम उसको सारा प्रयास करते हैं कि कहीं छूट ना जाए समय। 6 तारीख तक हम लोग बहुत व्यस्त रहेंगे, तो जब भी मौका मिलेगा हम प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर प्रेस में इस तरह से कन्फ्यूजन है कि मेरा अनुपस्थिति के कारण किसी तरह का डाउट है, तो ऐसा हम उसको फुलफिल कर पाएंगे, कर लेंगे। ऐसा हमको पता नहीं था कि ऐसा लोगों का कहना है, कभी कभी पेपर में आता था, तो फिर भी हम जब पेपर में आता था तो हम मोबाइल से कम्युनिकेशन कर लेते थे और बातचीत कर लेते थे कि हम यहाँ पर हैं, ऐसा कर रहे हैं, अभी यहाँ मीटिंग चल रही है, जब हमारे फुर्सत आ जाएंगे तो हम आ पाएंगे। सरकार को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई तनाव आपके अंदर कोई इसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है? और सरकार आने वाला कल में रहेगी भी, बहुमत है और रहेगी भी बहुमत, इधर उधर नहीं होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये पूरा टर्म तो पूरा करना ही करना है और सभी लोग एक साथ हैं, सब इंटेक्ट हैं और सभी चाहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट का किसी तरह का आँच ना आए। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है मगर किसी तरह का आँच नहीं आएगा, ये हम एश्योर करेंगे। सर, कांग्रेस के कुछ विधायक का खरीद फरोख्त का मामला आया जो अभी कलकत्ता में पकड़े गए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, बट वो एक इंसिडेंट होता है। अब सभी लोग एक साथ हैं, एक इंसिडेंट होता है, कभी कभी थोड़ी नाराज़गी होती है लोगों को, तो उसको लेकिन ये व्यक्त करने का ये था, तो हमको लगता है कि अभी सब एक साथ में हैं, उनको रिपेंट हो गया होगा और सब को पता है कि इससे क्या दिक्कतें आएंगी फ्यूचर में गवर्नमेंट को डैमेज करना और सब करना। तो हमको लगता है कि सभी लोगों के दिल दिमाग में ये बातें आ गई होंगी, एक रिपेंट हो गया होगा कि नहीं हम कहीं गलत रास्ते पर चल रहे थे, इसीलिए सब अभी एक साथ में हैं और एक साथ अब हमको लगता है कि उम्मीद लगता है कि रहेंगे सभी एक साथ। सर, सरकार को लेके बीजेपी जश्न की स्थिति में है कि सरकार तो अब गई, अब बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्या कहेंगे आप? ऋषिकेश जी, ऐसा नहीं है, उनको प्रारंभ में ही वो मत कम मिला है, उनको है ना 25 मिला है, 26 मिला है, तो वो इनफ नहीं है। किसी भी स्थिति में वो इस टर्म में सरकार बनाने लायक नहीं है, है ना। इसलिए जितना यूपीए के लोग हैं सभी का एक साथ एक मत में हैं और वो ज़रूर चाहेंगे कि किसी भी तरह का फेरबदल ना हो या अन्य राज्यों में जिस तरह से प्रयास हुआ है या होता रहा है, तो ये यहाँ नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक ट्राइबल स्टेट होने के नाते ट्राइबल में एक सेंटिमेंट्स है, और हम तो ये भी कहेंगे कि हेमंत सोरेन के प्रति भी लोगों का रुझान है, एक सेंटिमेंट्स है, उनका तकलीफ लोगों को लगता है कि नहीं ट्राइबल कम्युनिटी को तकलीफ मिल रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा। किसी तरह का कोई प्रयास हमको नहीं लगता है कि सफल होगा, इस टर्म तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ये कम्युनिटी आई थिंक उनके साथ में है और सिंपथी है उनके साथ में ऐसा होने से, तो इसलिए किसी तरह का खतरा नहीं है ऋषिकेश जी। मुख्यमंत्री जी की सदस्यता अगर समाप्त हो जाती है तो क्या अगला मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन होंगी या कोई दूसरा चेहरा होगा? नहीं, अभी इसी को बात कह रहे थे हम कि ये अभी क्लियर नहीं है। और 9A सदस्यता समाप्त करने की बात तो कहती है, लेकिन कितने दिनों तक, 6 महीने तक कि पूरा टर्म, ये सब क्लियर हुआ ही नहीं है। और जो हम लोगों को जानकारी है वो शायद सदस्यता समाप्त हो जाएगी लेकिन 6 महीने के बाद उसको पुनः इलेक्शन करके आ सकते हैं। और सरकार सपोज दैट कि अगर ये में आ जाता है, मुख्यमंत्री का सदस्यता ख़त्म हो जाता है, तो पुनः वो अपना आवेदन करके परेड करके या तो बहुमत सिद्ध करके फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल एक्ट है नहीं ईडी वगैरह का या किसी तरह का जिसमें कि कोई सज़ा का प्रावधान हो, जैसे कि 10वीं अनुसूची में है कि 2 साल से ज़्यादा का सज़ा हो तो उसको 6 साल तक प्रतिबंध किया जा सकता है, लेकिन ये 9A में उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और इसलिए जब तक अभी महामहिम राज्यपाल के द्वारा क्लियर नहीं हो जाता है, जो लिफाफा मिला है उसको ओपन नहीं कर लिया जाता है, तब तक कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आई थिंक कि 9A के संदर्भ में ही ये फैसला आया होगा और उसमें सिर्फ सदस्यता जाने का ही बात कही गई होगी, तो उस स्थिति में वो पुनः अपना आवेदन करके और सरकार बना करके और 6 महीना के भीतर अपना
सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं, एमएलए पुनः बन सकते हैं और मुख्यमंत्री पुनः रह सकते हैं। सर, आप आदिवासियों के बीच में बहुत बड़ा चेहरा है, आदिवासी आपको अपना आदर्श मानता है और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी आप रहे हैं, बहुत करीबी हैं, तभी ने मुख्यमंत्री ने आपको कल रात को फ़ोन लगा के आपसे हाल चल जाना, बातचीत की, आपको बुलाया। एक आदिवासियों के बीच में एक सवाल बार बार आता है कि इतने बड़ा आदिवासी चेहरा और मुख्यमंत्री के बहुत करीबी, आपने पिछला जो चुनाव हुआ उसमें रात दिन एक करके कैंपिंग करके आपने कई सीटों को उनको गिफ्ट में दिया, सौगात में दिया। आदिवासियों के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमारे विधायक जी को मंत्री पद है, क्योंकि मंत्री पद होने से उनका विकास होगा, आदिवासियों का जो विकास रुका हुआ है इस क्षेत्र का, इन क्षेत्रों का, तो थोड़ा डेवलप और दिखता, ऐसा आदिवासियों के मन में ऐसा भाव विचार है, इस पर थोड़ा सर आप बताएंगे। नहीं, ऐसा 2014 में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से हम लोगों की बात हुई थी, तो उसने यही रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों को सभी ट्राइब को गोलबंद होना है, उरांव मुंडा हो, संथाल, सभी होंगे तभी किसी न किसी दिन हम लोग सत्ता में आ पाएंगे। तो चूँकि हम तो इंडिपेंडेंट लड़ते थे तो हमें भी लगा कि हम लोग साथ में रहना चाहिए और सत्ता प्राप्त होगा तभी हम लोग कानून बना पाएंगे, नियम बना पाएंगे आदिवासियों के लिए। अभी भी मेरे साथ ऋषिकेश जी, अभी भी हम, मेरा पर्पस यही है कि ट्राइबल का संविधान में जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ लागू हो जाए, वो चीज़ लागू हो जाए, यही मेरा पर्पस है। और ये चीज़ लागू हो जाना, देखिए मंत्री मुख्यमंत्री ये सब बनना बनता है, बिगड़ता है, समाप्त हो जाता है, मगर जब कानून बन जाता है तो परमानेंट हो जाता है। जैसे हम लोग कई बार रिक्वेस्ट किए कि जैसे डोमिसाइल वाला मैटर पर भी हम लोग रिक्वेस्ट किए कि देखिए हाईकोर्ट ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि 1932 का खतियान कहीं 56 का है, कहीं 59 का है, कहीं 60 का है, ये प्रॉब्लम होगा इसको यूनानिमस करने में, इसलिए आप कोई तर्क दीजिए और हमको बताइए कि क्या किया जाए कि कहीं पर ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, कहीं अलग अलग ना हो, ऐसा बात बताइए। क्योंकि हर स्टेट का डोमिसाइल तो उसका फंडामेंटल राइट है, करना ही है उसको। तो उसने एक सजेस्ट भी किया कि हाँ ठीक है, हाईकोर्ट ने सजेस्ट भी किया कि आप लैंग्वेज को या स्थानीयता को या कोई और फैक्टर को डालिए, क्राइटेरिया को डालिए और उसको कर सकते हैं, ये बात कहा है। तो ये किया जाना चाहिए, जो हम लोगों का शुरू से ही एजेंडा रहा है, जब से राज बना है उसी समय से हम लोग रिजर्वेशन को भी थोड़ी सी बढ़ाने के लिए बात करते रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने जब 73% रिजर्वेशन हुआ था तो उस समय भी हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं 50 से ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन उसने ये भी कहा था कि तमिलनाडु में चल रहा है केस सुप्रीम कोर्ट में, अगर 69 का अगर ओके हो जाता है तो आप झारखंड में कर सकते हैं। तो इस पर भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको जो 2003 में ओके हुआ था एसटी का, ओबीसी का, इन लोगों का बढ़ के जितना हुआ था उसी को हम लोगों का कर दिया जाए। और इसी तरह से लैंड वगैरह, जो लैंड ट्राइबल का फंसा हुआ है, वो उसका लाइफ है, जमीन जीवन है, ज़िंदगी है। और संविधान में इस बात का जिक्र है कि ट्राइबल लैंड बिल्कुल किसी भी स्थिति में ट्रांसफ़र होना इलीगल होगा। तो उसी चीज़ को, उसी कानूनों को हम लोग चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन में आए, इसके अलावा हमारा कोई लस्ट नहीं है। कि और जो भी हमारा एजेंडा शुरू से रहा है कि सरना कोड वगैरह करना, ये सब होना, लैंड पर होना, तो तीसरी हम अपनी जो कस्टम सिस्टम अपना जो बचना है उसके लिए भी परेशान है थोड़ी सी। जैसे भुइहरी लैंड वगैरह, भुइहरी लैंड, महतोई लैंड, पहनई लैंड, ये सारा लैंड आदिवासी का सर्वाइवल से जुटा हुआ है, कल्चर से जुटा हुआ है, उसके रिलीजन से जुटा हुआ है। ये हाँ, ये लैंड जब छिन जाएगा तो उसकी वो रिलीजन भी छिन जाएगा, रिचुअल सिस्टम भी छिन जाएगा और उसका कस्टम भी छिन जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। जैसे रांची टाउन के किनारे किनारे सभी जगह हो रहा है। तो हम लोगों का यही कहना है, मानना है और रिक्वेस्ट भी करना है और करते रहे हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, और करेंगे वो आने वाला कल में, कि इसको आप एक नोटिफिकेशन कर दीजिए और रेगुलराइज कर दीजिए और उसको प्रोहिबिट कर दीजिए कि वो ट्रांसफरबल किसी तरह से नहीं होगा, वो कानूनन होगा और संविधान के अंतर्गत होगा, ऐसा कर दीजिए। और रोकने के लिए प्रयास कर दीजिए, आप अलग से कोई न्यायाधिकरण गठन कर दीजिए या तो कोर्ट गठन कर दीजिए, एसएआर कोर्ट ख़त्म हो गया, आप कोई कोर्ट बना दीजिए जिसमें ट्रायल भी हो, जिसमें ट्रायल भी हो, और ट्रायल हो करके 71B का प्रावधान भी लागू हो। ये सारी चीज़ें हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गई तो पूरा ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बेहतरी हो जाएगा, ऐसा ज़्यादा हमारे लिए है। इसी के चलते हम लोग इतना मेहनत करके, या तो जो भी हम लोगों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, या किसी तरह का बेटर करने का प्रयास किया, तो पर्पस हमारा यही था, यही हमारा एजेंडा भी था, पर्पस भी था, ये हो गया तो हमारा फुलफिल हो जाएगा सारा चीज़। जीएन भारत को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद ऋषिकेश जी।
तो आपने सुना, ये थे विशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा जी, जिनका साफ कहना है कि सरकार को खतरा नहीं है, सरकार के वे साथ हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी ने उनको दूरभाष पर फ़ोन कर बात की और उनको बुलाए हैं, और संभवतः आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए विधायक श्री चमरा लिंडा जी कुछ करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।